अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो तरावी के बाद का दिखाते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो उम्रा सिजरा का टाइम है ये पढ़ाई का, इनको आधा घंटे या एक घंटे कुछ पढ़ना होता है। अभी छुट्टियां हैं तो कम पढ़ना है, लेकिन आज उम्रा को ड्राइंग करनी थी। और मैं अपने मैसेजेस में मैंने पढ़ा कि कोई पनीर की रेसिपी भी आप शेयर कीजिए, मतलब मैं शेयर करूँ। तो मैंने जल्दी से एक पनीर की रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, और उम्रा की ड्राइंग भी इतनी देर में कम्प्लीट हो गई थी। और अब नेक्स्ट डे दिन के बज रहे हैं 12, और मुझे ना थोड़ा सा ग्रोसरी कुछ लेना है, तो मैं आई हूँ और मैंने सोचा जल्दी से कर लेती हूँ एक घंटे में सारा काम। तो सबसे पहले दालों से स्टार्ट कर देते हैं। दाल मतलब ये चने वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि पता है रमज़ानों से पहले हम ठीक से ग्रोसरी का सामान नहीं ले पाए थे, क्योंकि हुसैन की तबीयत ख़राब हो रही थी। आप लोगों को सबको पता ही है, एक दिन में आई थी लेकिन सारा सामान नहीं ले पाई थी। फिर मैंने चने की दाल ली, और ये जो मटर होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी चाट बनती है इसकी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने लिया ऑलिव ऑयल, और मैंने सोचा है अब बहुत सारी चीज़ें ऑलिव ऑयल में भी बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑमलेट और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं घर में खाने के लिए, पहले इसका टेस्ट आ जाए हमें, है ना। अभी हम लोग कुछ भी नहीं बनाते हैं ऑलिव ऑयल में, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह नमक तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। फिर आ गई हूँ मैं मिर्च मसाले लेने के लिए, तो ये तो एक पैकेट एक्स्ट्रा होना ही चाहिए घर पर, एक दो पैकेट तो डाल लेती हूँ। लास्ट भी ले गई थी, अब फिर ले जाती हूँ। और मैं ना पिसा हुआ जो मसाला होता है, सिर्फ रेडीमेड मसाले में, सिर्फ चाट मसाला मैं, आप लोगों को पता ही है, यूज़ करती हूँ। वरना सारे मसाले मैं घर पर ख़ुद बनाती हूँ। तो सारे खड़े मसाले भी ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो मसाले लेके गई थी उससे मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी गरम मसाले की, चना मसाला, तो कई रेसिपी मैंने शेयर की थी, उसमें सारे मसाले जो हैं खड़े मसाले ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए ये भी ले लेती हूँ। फिर कस्टर्ड पाउडर भी ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और फटाफट बनकर हो जाता है तैयार। तो आज छोटा पैकेट है इनके पास, बड़ा कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने वही ले लिया है। और केक से रिलेटेड भी सारी चीज़ें, क्योंकि मफिन्स, केक्स और ब्राउनी, ये सब मैं बच्चों को घर पर ही बनाकर खिलाती हूँ। कभी कभी आप देखेंगे वीडियोस में बाहर आते हैं तो तब खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं घर पर ही बनाकर खिलाती हूँ। फिर वनीला एसेंस चाहिए था मुझे, तो वो भी ले लेती हूँ, वो ख़त्म होने वाला है। और आप लोगों को मेरी लॉन्ग व्लॉग्स कैसे लगते हैं, पता है सब लोग बड़ी फरमाइश कर रहे हैं कि मैं पूरा फुल डे व्लॉग बनाऊँ, तो इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद बनाते हैं। फिर थोड़े से बिस्किट्स भी ले लिए थे शाम की चाय के साथ। बच्चे मांगते हैं कि खाना है, मेरा तो अभी दिल नहीं चाहता है, क्योंकि अफ्तार के बाद कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता है, बस खाली एक कप चाय हो जाए। फिर ये भी ले लेते हैं, क्योंकि ना सहरी में बच्चे खा लेते हैं कॉर्नफ्लैक्स। और मैदा ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का बनाना है पिज़्ज़ा, तो मैं पिज़्ज़ा बेस जो है रेडीमेड नहीं लेती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ।